अगले शैक्षिक स्तर से देश के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक जैसी परीक्षा आयोजित होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेडिकल और डेंटल परीक्षाओं में एक रूपता लाने के लिए सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में विधेयक पारित कर दिया और बहस के दौरान कई सदस्यों ने नीट को जरूरी बताया तो कई ने इसे राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप भी कहा। अगले साल से देश भर में समान मेडिकल और डेंटल प्रवेश परीक्षा नीट कराने और इस साल राज्य बोर्डों को इसके दायरे से बाहर रखने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में दो बिल पेश किए जिन्हें लोकसभा ने पारित कर दिया है। सरकार की ओर से भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 और दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 में संशोधन को लेकर भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2016 और दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2016 को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की ओर से निचले सदन में पेश किया गया। लोकसभा में इस दौरान हुई चर्चा के दौरान जहां कुछ सदस्यों ने नीट को जरूरी बताया वहीं कुछ ने इस पर सवाल खड़े किए। यह काम 70 साल की आजादी के बाद भी कोई नहीं कर पाया था कि मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस का एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, और यह कार्य एनडीए की सरकार ने किया, इसलिए मैं उसको बहुत बहुत साधुवाद और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। Putting a national entrance examination in this medical and dental education, but hasty decisions, putting pressure on students is not nice. That is why we are supporting the bill for this 2016-17. This bill intended to provide for uniform entrance examination to all medical educational institutions for UG and PG courses does a gross injustice to the various states, sir. सदन में चली बहस के बाद सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते ये विधेयक बहुत जरूरी है और इससे परीक्षा में एक रूपता होगी। एनसीईआरटी हमारा फॉर्मुलेशन जो हुआ है उस फॉर्मुलेशन के तहत उनका सिलेबस बनेगा। उस सिलेबस में वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दी जो जो ये डिफरेंस है, जो गैप है, उसको हम कवर करेंगे और हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिलेबस करेंगे सो दैट द स्टूडेंट्स of the rural background also are taken care of it. इस विधेयक के पारित होने के बाद अगले सत्र से पूरे देश में एक समान मेडिकल परीक्षा होगी जो हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में होगी। नया नियम स्नातक और परास्नातक दोनों कोर्सों में लागू होगा। साथ ही 2016-17 सत्र के लिए आयोजित राज्यों के मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को नीट से छूट देने पर भी कानूनी मोहर लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सभी सरकारी कॉलेजों, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को नीट के दायरे में लाया गया था, लेकिन कई राज्य सरकारों और तमाम राजनीतिक दलों के सुझाव के बाद राज्य बोर्डों को नीट के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार को इस साल मई में दो अध्यादेश लाने पड़े थे। इस विधेयक को पारित कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई भी अध्यादेश 6 माह तक ही प्रभावी होता है, लेकिन संसद सत्र शुरू होने के 42 दिनों के भीतर इसे विधेयक के रूप में पारित करना जरूरी हो जाता है। पार्लियामेंट टीम, टीडी न्यूज़।